A very good evening, students. Today we will discuss about the natural disaster. As we know that we have already read about it, what is a natural disaster? That drought, flood, tsunami, different type of situation we had to face. अलग अलग तरह की जो परिस्थितियां हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं, है ना। जैसे नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, प्राकृतिक आपदा जो हमें बिना बताए आती है। जब ये बिना बताए आती है तो हमें संभलने का टाइम भी नहीं मिलता। तो जैसे ही फ्लड है, बाढ़ है, ड्रॉट है, सूखे की कंडीशन में किसानों को बहुत परेशानी होती है। अर्थक्वेक जब आता है तो बिल्डिंगें, इमारतें और बड़े बड़े शहर जो हैं वो हिल के रह जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी जान और माल की हानि होती है। सुनामी आती है, सुनामी के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा कि सुनामी जो है वो एक सी वेव्स होती है जो कि एक बहुत ही ह्यूज वे में आती है। दिस इज नोन एज अ सुनामी। ये क्या होता है कि इट अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक और अ वॉल्केनिक एरप्शन द सी कैन क्रिएट ह्यूज सी वेव्स। दिस इज नोन सुनामी। द सुनामी सी वेव्स कैन ट्रेवल एट अ स्पीड अबाउट 750 किलोमीटर पर आवर। जो सुनामी है वो कितनी स्पीड से मतलब आ सकती है, मतलब 750 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उसकी जो गति होती है। नियर द कोस्ट ऑफ सुनामी वेव लुक लाइक अ वॉल ऑफ वाटर कमिंग टुवर्ड्स द कोस्ट विद ग्रेट स्पीड। तो जो सुनामी होती है उसमें क्या होता है कि कैन लिफ्ट बोट एंड थ्रो देम एंड लैंड नियर द कोस्ट। इट इज क्रश हाउसेज एंड कोस्टल एरियाज। पता है तटीय जो मैदान होते हैं, जो समुद्र किनारे पे जितने भी घर बने होते हैं, तो वो सारे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रम्बल डाउन हो जाते हैं, वो सब ढह जाते हैं, वो सब मतलब उनका विनाश हो जाता है। और ना सिर्फ इमारतों का विनाश होता है बल्कि ह्यूमंस जो लाइफ है वो बिल्कुल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक तरह का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सुनामी के रूप में भी। साइक्लोन आप सबने सुना होगा। साइक्लोन क्या होता है कि जो विंड है, विंड इन अ साइक्लोन ब्लो एट अ हाई स्पीड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन जो है वो हैवी रेनफॉल का कारण होता है कि बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है, विच इज़ हाईली डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जो कि जिंदगी का बहुत ही ज़्यादा विनाश कर देती है, प्रॉपर्टी का नाश कर देती है। इन इंडिया, भारत में जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, स्ट्राइक अगेंस्ट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द वार्निंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन आर गिवन थ्रू रैपिडली टेलीविजन। और जो भी साइक्लोन आने वाला होता है तो उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। टेलीविजन पे, टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कौन सा साइक्लोन आने वाला है और कितनी गति से आने वाला है, कितना विनाश कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप वो पढ़ सकते हैं। दे कीप द एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स एंड फिशरमैन अलर्ट। वो अलर्ट कर देते हैं फिशरमैन को, सी पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को। तो वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन ड्यूरिंग द आफ्टर साइक्लोन। तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए साइक्लोन के बाद भी और साइक्लोन से पहले भी। तो फर्स्ट क्या है, लिसन टू वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन एंड रेडियो। सबसे पहले तो हमें मौसम के बारे में जानकारी लेनी चाहिए रेडियो या टेलीविजन पे, जो भी आप देखते हैं, ठीक है। क्योंकि टेलीविजन जो है वो इलिटरेट लोगों के लिए देखिए बहुत ही बढ़िया जरिया है, क्योंकि लोग जो हु कांट रीड एंड सी, जो ना तो देख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, है ना। तो कई लोग ऐसा भी है कि जो नहीं देख पाते हैं, है ना, अपंग जो लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सुन तो सकते हैं इवन, है ना, तो वो रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं और टेलीविजन के माध्यम से वो लोग सुन सकते हैं जो कि पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो मूव टू अ सफर प्लेस बिफोर साइक्लोन रीच यू एरिया, सेफर प्लेस होता है, आप सुरक्षित जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे साइक्लोन से आप सुरक्षित रह सके। स्टोर इनफ फूड इन वाटर प्रूफ बैग। आप वाटर प्रूफ बैग में बहुत सारा जो खाना है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आप काफी दिनों तक इजिली उसे अपना काम चला सके। चेक फॉर गैस लीकेज बिफोर यूजिंग द स्टोव। आप स्टोव का जब यूज करते हैं तो उससे पहले आप गैस की जो लीकेज है वो चेक कर लें कि वो लीक तो नहीं कर रही है। अवॉइड फ्लड वाटर एंड बी केयरफुल अबाउट स्नेक। आप जो फ्लड वाटर है उसको अवॉइड करें एंड स्नेक्स के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे सांप आ जाते हैं, तो आप उन्हें उनका ध्यान रखें। आफ्टर साइक्लोन ड्राई द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आप इसे साफ करें, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं। डू नॉट गो नियर द सी कोस्ट, तटीय मैदानों की तरफ आप ना जाएं। डू नो
गो आउट टिल ऑफिशियल एडवाइस अलाउज यू. जब ऑफिशियल आधिकारिक जब घोषणा हो जाए, जब आपको सजेस्ट किया जाए कि आप वहां जा सकते हैं तो ही आप जाएं, अदरवाइज आप वहां पर ना जाएं. तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो कि आप ये चीजें जो कि नेचुरल डिजास्टर है वो होने के बाद और होने से पहले भी आप इनको फॉलो करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं. ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर बेटा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टिक द करेक्ट और फिलअप्स करेंगे. फिलहाल आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर लें और आपके लिए होमवर्क है कि आप ही सर्च करने की कोशिश करें खुद से, क्योंकि जब आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू कम टू नो कि आपने कितना पढ़ा है ना. तो आप इसे सर्च करने की कोशिश करें और इसके जो राइट आंसर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. ठीक है बच्चों, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.